हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से जो अभी जवाहर नवोदय विद्यालय में लेटरल एंट्री के लिए जो रोल नंबर निकल रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए, उनके जो रोल नंबर हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है JNVS, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जो सबसे ऊपर का लिंक जो ये आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो वेबसाइट है नवोदय विद्यालय की वो इस तरीके से खुल के आ जाएगी और इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट खुलेगी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक मैसेज आया हुआ है, प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर क्लास नाइन्थ लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2022। तो आपको यहाँ जो ये लिंक बना हुआ है क्लिक हेयर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा और उसी पेज पे ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे ये जो कैप्चा है ये कैप्चा आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम कौन सा है। तो यूज़र नेम ये वो रहेगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था इसके लिए, तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था फॉर्म अप्लाई करते टाइम में, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पे देंगे। उसके बाद में जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपका जो जो बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी एज इट इज़, जैसे कि DDMMYY करके रहता है ना, तो यहां पे पूरा दें आप DDMM और जो ईयर है वो उसके चारों डिजिट आपको यहां पे देने हैं और कैप्चा यहां पे फिल कर देना है और लॉग इन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज खुलेगा वो आप इस तरीके से देखेंगे और यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो लिंक है एक और लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड और प्रिंट एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट एडमिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ साइड में यहाँ देखिए एडमिट कार्ड यहाँ पर हो गया है और इसे मैं ओपन करूंगा तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि आप किस तरीके से अपना जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, मीन्स लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो, तो पासवर्ड में तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ ही दोगे, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन भूल जाते हो तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, ये जो है ऊपर, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा और जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी, जिसकी मदद से आप अपना रोल नंबर आसानी से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आ रही है रोल नंबर निकालने में, तो वो आसानी से वो निकाल सकें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।